भारतीय सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी बात की। इसी दौरान अपने मणिपुर दौरे को लेकर सेना प्रमुख सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यहां आने का मेरा मुख्य उद्देश्य मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना था। मुझे सुरक्षा एजेंसियों और INT एजेंसियों के बीच बेहतरीन समन्वय देखकर खुशी हुई। विस्तृत स्पष्ट चर्चा हुई और इस बात पर बहुत अधिक प्रयास नहीं किए गए कि हमें इस यात्रा को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इस राज्य में विश्वास, शांति और सौहार्द बना रहे। मैं मुख्यमंत्री से मिला और एक बहुत ही शानदार बैठक हुई। हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की और हमने आगे के विषय राज्य में शांति लाने के मुद्दे और साथ ही सभी समुदायों को एक साथ कैसे लाया जाए ताकि उनके बीच एक बेहतर सामंजस्यपूर्ण संबंध हो, इस पर भी बात की। My main aim to come here was to review the security situation as of today in Manipur. And I was happy to see the great coordination between the security agencies and the INT agencies. I had a detailed frank discussion and lot many kind of lines of effort have come that how should we take this journey ahead. And the main aim is to ensure that there is a trust, peace and tranquility in the state. I was lucky to meet the chief minister since he was in the station, and it was a very great meeting, very encouraging meeting where we could discuss lot of issues and we were looking for the way forward, where we are able to bring in the peace in the state and also how to get all the communities together so that there is a enhanced harmonious relationship amongst them.